इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी M35 5G के बारे में बात करने वाले हैं। सैमसंग ने इस फोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये फोन आपको 20,000 से कम कीमत में मिल जाता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको इस स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करते हैं। इस फोन में आपको प्लास्टिक का बैक देखने को मिल जाता है और बैक में आपको 3 कैमरे दिए गए हैं, साथ में फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है और फोन के नीचे की तरफ आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है और फोन का वेट जो है वो 220 ग्राम के लगभग है, क्योंकि बैटरी इसमें आपको काफी बड़ी देखने को मिलती है। फोन के फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है और इसके बटन और पोर्ट्स की बात करें तो फोन में नीचे की साइड में आपको माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं। फोन के ऊपर की साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है और लेफ्ट साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाती है। इसमें आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, या तो इसमें आप एक बार में 2 SIM यूज कर सकते हैं या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है डिस्प्ले की। सैमसंग गैलेक्सी M35 5G में आपको 1080x2340 pixels रेजोल्यूशन वाली 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये एक पंच होल स्टाइल वाली डिस्प्ले है जो कि सुपर एमोलेड पैनल पर बनी है। इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है और साथ में 1000 nits की ब्राइटनेस मिलती है। फोन की डिस्प्ले अच्छी है, इसमें आपको हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाता है जिससे इसकी डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगती है। अगर आप डिस्प्ले पर वीडियो वगैरह देखते हैं तो एक्सपीरियंस इसमें आपको अच्छा मिलने वाला है, लेकिन इसकी डिस्प्ले में आपको थोड़े बड़े बेजल देखने को मिलते हैं जो कि आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं। डिस्प्ले के बाद अब प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए इस फोन में आपको 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना सैमसंग का ही एक्सनोस 1380 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है जो कि 2.4 GHz तक की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। इसमें आपको 6 लाख के करीब अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। गेमिंग की बात करें तो प्राइस के हिसाब से ये फोन गेमिंग को अच्छे से हैंडल करता है, लेकिन इसमें आप हाई ग्राफिक्स पर ज्यादा देर तक गेमिंग नहीं कर सकते। गेमिंग के लिए इस फोन में आपको वेपर कूलिंग चैम्बर देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग के दौरान इस स्मार्टफोन को काफी सपोर्ट करता है। इसमें आपको 8 GB तक रैम और 256 GB तक स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको एंड्रॉयड 14 मिलता है जो कि One UI 6.1 पर काम करता है। इसमें आपको 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाते हैं। अब इसके कैमरे की बात करते हैं। फोटोग्राफी के लिए सैमसंग गैलेक्सी M35 5G ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट करता है। इसके बैक पैनल पर F1.8 अपर्चर वाला 50 MP का OIS मेन सेंसर है जो कि 8 MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस और 2 MP के माइक्रो सेंसर के साथ मिलकर काम करता है। सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फोन 13 MP का सेल्फी कैमरा सपोर्ट करता है। इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इससे आप 4K वीडियो को 30 FPS पर शूट कर सकते हैं। कैमरे के बाद अब इसकी बैटरी की बारी आती है। पावर बैकअप के लिए सैमसंग गैलेक्सी M35 5G में 6000 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं इस बड़ी बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए इस स्मार्टफोन में आपको 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थी सैमसंग गैलेक्सी M35 5G को लेकर मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।